आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों की पसंदीदा डिश बीफ कीमा मैक्रोनी, बहुत ही मजेदार और आसान स्टेप्स के साथ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम अपने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स के टारगेट को अचीव कर सकें। 6 ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 400 ग्राम मैक्रोनी उबाल लें। जब मैक्रोनी बॉईल हो जाए तो पानी डिस्कार्ड कर दें। एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और 1 चॉप्ड प्याज 5 से 10 सेकंड फ्राई करें और 800 ग्राम बीफ कीमा शामिल करें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह कीमे की भुनाई कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1.5 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें 1 कप टमाटो प्यूरी और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल के मिक्स करें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून इटालियन मिक्स हर्ब और 2 चॉप्ड हरी मिर्चें शामिल करें। अब कीमे में बॉइल्ड मैक्रोनी शामिल करें। मैक्रोनी और कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया शामिल करें। चूल्हा बंद कर दें और डिश आउट कर दें। 2 ग्लास उबलते पानी में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1/2 किलो आलू की क्यूब्स डालें। आलुओं को 2 मिनट पानी में उबालें और प्लेट में निकाल लें। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें और इसमें बॉइल्ड आलू के क्यूब्स शामिल करें और आलूओं को अच्छी तरह फ्राई कर लें और मैक्रोनी के साइड में लगा दें। एक छोटी पैन में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून मक्खन और 3 टेबलस्पून कटे हुए लहसुन के जवे शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। 1 टेबलस्पून चॉप्ड धनिया शामिल करें और मैक्रोनी के ऊपर डाल दें। प्याज के लच्छों से गार्निश कर दें और हमारा मजेदार बीफ कीमा मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है।